अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सगाई की रस्में, तो फाइनली आज मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे जो सगाई की रस्म है वो शुरू हो गई है। तो जैसे पहले सगाई हुआ करती थी इस तरीके से वो यहाँ पे हो रही है, मतलब भाई की तरफ से सारा शगुन का जो सामान रहता है वो दिया जा रहा है। तो ये जो है ना बड़ा भाई है, और सगाई किसके वो भी बता देती हूँ। तो मेरे सेकंड नंबर के मामू हैं, उनकी लड़की की सगाई है, और आप लोगों ने काफ़ी बार वीडियो में देखी भी है रानी को। तो रानी की सगाई हो रही है, और ये है हमारे घर के दामाद बनने जा रहे हैं। तो ये ग्वालियर से हैं, और बस यहाँ पे जो है ना अभी सगाई की जो रस्म थी वो हो गई है, मतलब जो भाई के तरफ से होती है वो हो गई है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर ये होता है कि पैसे इस तरीके से नौछावर बोला जाता है इसको। तो जो भी घर के बड़े होते हैं सभी लोग इस तरीके से नौछावर करते हैं। तो जो भी लड़कियों की शादी हो गई होती है, बड़ी होती हैं, भाभियाँ हैं, दादी हैं, मतलब जो भी घर की बड़ी होती है सभी लोग यहाँ पे ये रस्म करती हैं। तो इसमें मैं भी अब शामिल हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, और मुझसे छोटी जितनी भी बहनें हैं, भाई हैं, उनकी सगाई हैं, शादियाँ होंगी, तो उसमें ये रस्म मैं भी करूँगी। तो मैं वही बात यहाँ पर खड़े होकर कर रही थी कि वो हम भी ना इस लाइन में आ गए, वरना पहले हमेशा बस यही देखा करते थे कि बड़े लोग सारी चीज़ें किया करते थे। तो बस यहाँ पे अभी यही चल रहा है, और अभी फिर लड़की को लाया जाएगा, और फिर जो गोद भराई की रस्म होती है वो होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़के की सगाई की जाती है, सगाई बोलते हैं मतलब रोका बोलते हैं, और फिर लड़की की जो है ना गोद भराई होती है। तो अभी जो है ना यहाँ पे ये एक ही जगह हो रहा है। वैसे ऐसा होता था कि लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ जाते थे, फिर वहाँ पर रोका किया जाता था, और फिर लड़के वाले जो है ना लड़की वाले के यहाँ थे तो गोद भराई की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर दोनों को एक साथ सारी रस्में हो जा रही हैं, तो यहाँ पर रोका भी हो गया है, गोद भराई भी हो जाएगी, और फिर रिंग सेरेमनी भी हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना बस यहाँ पे अभी लड़की भी आ गई है। तो ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन, मतलब बनने वाली दुल्हन है। तो ये है रानी, आप लोगों ने काफ़ी बार इसको सिंपल लुक में देखा है, तो आज फाइनली ये मतलब ब्राइडल लुक ही लग रहा है, और काफ़ी माशाल्लाह सुंदर लग रही है। तो ये है नया जोड़ा, तो आप लोग इस नए जोड़े को खूब सारी दुआएं देना, इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी खुशियों भरी हो, और इनकी हर जाए दुआ कबूल हो। तो बस यहाँ पे ये प्यारा सा जोड़ा बैठा हुआ है। तो अब होगी गोद भराई की रस्म, जो कि दूल्हे की बहनें और भाभी करती हैं। तो बस वही होगा अभी पहले, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। तो यहाँ पर जो है ना चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं भाभी की तरफ से, और फिर जो है ना पायल वगैरह, मतलब जो भी लाया गया है मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जो जोड़ा है वो लड़की वालों की तरफ से ही है, और जो लड़का पहने वो लड़की वालों की तरफ से है, और जो लड़की पहने वो लड़के वालों की तरफ से है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बस सिर्फ दुपट्टा वगैरह ओढ़ा देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है टाइम के साथ सारे। तो इस तरीके से जो है ना बस यहाँ पे जो है ना अभी गोद भराई की रस्म हो गई है पूरी, और अब होगी रिंग सेरेमनी। तो वो आप लोग देख लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और जोड़ा भी काफ़ी अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जोड़ी है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी जोड़ी। तो ये है रिंग दोनों की। तो बस अभी यहाँ पर हो रही है अब रिंग सेरेमनी, तो गोद भराई हो गई और रोका हो गया है। तो बस उसके बाद अब बारी आ जाती है रिंग सेरेमनी की। तो बस यहाँ पे अभी लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे, और इस टाइम पर जो है ना बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नॉइस आ रही थी इस वजह से, वरना तो मैं ओरिजिनल भी मैं सोच रही थी कि ओरिजिनल वॉइस डालूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वॉइस दे रही हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा। तो बस यहाँ पे जो है ना दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और अल्लाह इनकी जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनाए रखे। तो बस यहाँ पे रिंग सेरेमनी तो हो गई है, अब बारी आ जाती है, आप लोग देख लीजिए। दिल लगी, दिल को दिल लगी ना लगे। बाबा हम
तो बस अभी यहाँ पर जो है ना, अब बारी आ गई है फोटो वगैरह क्लिक होने की। तो यहाँ पे जो भी लड़के वालों के साइड के आए हैं वो सभी, और हम लोगों के साइड के सभी लोग यहाँ पे फोटो क्लिक, क्योंकि ये भी फंक्शन का एक हिस्सा होता है। जब शादी हो या फिर सगाई हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, सब में जो है ना फोटो क्लिक तो होते ही यादगार के तौर पर। तो बस यहाँ पे जो है ना वही हो रहा है, और जिन लोगों ने अभी नौछावर नहीं कर पाई थी वो लोग ये भी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से जो है ना हम जैसे सोचते हैं कि चीज़ें इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो चीज़ें उधर उधर हो जाती है। लेकिन ठीक है, इन्हीं चीज़ों से शादी का माहौल और सगाई का माहौल बनता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये है मेरी मुमानी और ये रानी का भाई है, और ये आ गए हैं मेरे नाना। तो यहाँ पे नाना ने आके एक डायलॉग मारा कि तो इतनी बड़ी कब हो गई मतलब उनका रहता है कि मतलब लड़कियां इतनी बड़ी कब हो जाती है कि उनके शादी का सगाई का दिन आया तो ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो वो यही बात बोल रहे हैं कि कब बड़ी हो गई इतनी कि मतलब सगाई हो रही है। तो बस इसी बात पे जो है ना रानी थोड़ा शर्मा गई, और बस यहाँ पे जो है ना अभी फ़ोटो क्लिक हो रहा है, और बस काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी लोग एक साथ हैं, और काफ़ी ये जो माहौल होता है बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है, एकदम सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि वैसे तो सभी लोग जो है ना अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने अपने घरों में बिजी रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं तब सभी लोग अपना माइंड फ्रेश करके शामिल होते हैं, और सब एक दूसरे से बातें करते हैं, और काफ़ी सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं जब काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चा पार्टी आ गई है फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, उनको भी भाई अपनी खाला के साथ, फुप्पो के साथ, कोई खाला है कोई मतलब फुप्पो तो फुप्पो भी है हाँ, तो बस ऐसे ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं बहन के साथ। तो बस यहाँ पे ये रानी की बड़ी बहन और छोटी बहन है, मतलब दो बहनें बड़ी हैं उससे और दो भाई बड़े हैं, सबसे छोटी है ये। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक हो गए, तो फाइनल शॉट जो आ गया है वो आ गया है कपल का। यहाँ पे एक शॉट इस तरीके से भी लिया गया है, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आप लोगों ने आई होप बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और हमने भी जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप लोग देख ही सकते हैं हमारे चेहरे पे स्माइल कितनी है। तो ये मेरी फ्रेंड भी है, जैसे कि मैं बताती भी रहती हूँ आप लोगों को, तो मेरी मुआनी की लड़की है, रानी की छोटी बहन है, मतलब रानी से तो बड़ी है,
लेकिन रानी की सेकंड नंबर की बहन है और मेरी बहन भी लगती है मोवानी की लड़की के हिसाब से और मेरी फ्रेंड भी। तो हम ऐसे ही मजाक वगैरह कर रहे थे यहाँ पे और बस अभी टाइम आ गया जाने का, तो लड़के वाले तो जो है ना जा चुके हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं नीचे आई थी रानी से बाय कहने के लिए, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपनी भाभियों को। तो ये मेरी भाभी है और जो रिश्ता कराया है वो भाभी ने कराया है, बड़ी भाभी ने। तो मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा रानी के लिए। तो बस यहाँ पे उसी बात पे जो है ना ये लोग हंस रही हैं और ये मेरी छोटी भाभी हैं। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं अब घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हम लोग यहाँ से जो है ना 12 ही बज गए थे, मतलब सभी लोग यहाँ पे हमसे बाय बाय कर रहे हैं। सब केक नहीं लाया, दोनों का एक संग कट जाता। अच्छा, बर्थडे जी सन का 2 तारीख का था, आज 3 तारीख को तुम्हारा है। 12 बज गए हैं, 12:12 हो गए हैं। ठीक है, घर पे आना है। ये अपनी फ्रेंडों से बिता लेते हुए कल लोग कर लाएं। बाय, चलो।